नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और आज हम ये जानने वाले हैं कि बिजनेस कार्ड कैसे बनाते हैं या विजिटिंग कार्ड कैसे बनाते हैं। तो आपको करना क्या है, कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है। आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है बिजनेस कार्ड मेकर। आपके सामने बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी, आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके बना सकते हैं। तो चलिए मैं पहली एप्लीकेशन डाउनलोड करता हूँ और यहाँ से इसको जो है डाउनलोड करने के लिए मैंने इस पर क्लिक किया है। तो मैं इसको डाउनलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे पहले से यहाँ ओपन का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये कुछ ऐसा खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे आपको। तो सबसे पहले आप जो है प्रोफाइल पर जाएंगे, तो प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको जो है कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर आपको डिटेल्स भरनी होती है, तो यहाँ पर आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपकी जो जॉब टाइटल है, कंपनी का नाम है या आपका जो एड्रेस है, ये सब चीज़ें आप लोगों को भर लेनी है। आपकी जो है अगर कोई भी वेबसाइट है तो वेबसाइट का एड्रेस URL यहाँ पे दे देना है। कंपनी की कोई टैगलाइन है तो टैगलाइन यहाँ पे दे देनी है। और अगर आपकी कंपनी का कोई लोगो है तो आपको वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पर आपको सेव का बटन दिख रहा होगा, सेव के बटन पर क्लिक करना है और इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको होम बटन पे आना है फिर से, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रिएट, तो क्रिएट पर क्लिक करेंगे। तो क्रिएट पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा खुलकर आएगा। तो यहाँ पर अलग अलग टेम्पलेट्स दिए हुए हैं विजिटिंग कार्ड के, तो आप अलग अलग टेम्पलेट्स देख सकते हैं। जो भी टेम्पलेट में आपको विजिटिंग कार्ड अच्छा लग रहा हो आप जो है उस टेम्पलेट को क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं इस टेम्पलेट को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा, जो कि प्रोफाइल में मैंने भरा था इन्फॉर्मेशन, जैसे कि नेम भरा था, टैगलाइन नहीं भरी थी, तो ऐसी काफ़ी जो है मोबाइल नंबर भरा था, नेम भरा था, ईमेल आईडी भरी थी, वेबसाइट एड्रेस वगैरह जो जो मैंने दिया था वो इसमें जो है हर टेम्पलेट में जो है सेट होकर आ जाएगा। आप जो भी टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे उसमें सेट होकर आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई इसमें गलती लग रही है या कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आपको चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आपको मान लीजिए नेम चेंज करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो आप देखिए यहाँ पर कई ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको जो है साइड में काफ़ी ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आप जो है इसमें एडिट टेक्स्ट आपको दिख रहा होगा। अगर आप एडिट करना चाह रहे हैं नाम तो एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करके अपना नाम चेंज कर सकते हैं। आप फॉन्ट का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। और भी इसमें कई चीज़ें दी हुई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल दिया हुआ है, आप जो है फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप इसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन कीज़ भी दी हुई हैं, आप इसकी ओपेसिटी घटा बढ़ा सकते हैं, साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और आप नीचे भी कुछ ऑप्शन देख सकते हैं। आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। जब आप सारे चीज़ जो है आप सही से करेक्ट से कर लें, उसके बाद सारी एडिटिंग करने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तीन ऑप्शन, तो आपको बीच वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड के बटन पर क्लिक करने पर ऐसा कुछ आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अगर दोनों साइड का जो है डाउनलोड करना है तो फ्रंट और बैक दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम फ्रंट साइड डाउनलोड करते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करते ही कुछ ऐसा होगा कि ये डाउनलोड हो जाएगा, तो इसके लिए अलाउ कर देते हैं, तो ये अब जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो अब जाके डाउनलोड ऑप्शन पे देख लेते हैं, तो इसको हम कट करते हैं। कट करने के बाद इसको जो है हम होम बटन पे ले जाते हैं, फिर से बैक की बटन दबाएंगे, तो बैक की बटन दबाने पर जो है ये पूछेगा कि आप होम जाते हैं, मतलब होम में जाना चाहते हैं, तो होम की बटन के लिए आप यस के पे क्लिक कर देंगे, तो आप जो है फिर होम पर पहुंच जाएंगे। तो आप यहां पर देखेंगे कि डाउनलोड वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो डाउनलोड के बटन पे फिर से क्लिक कर देंगे। तो यहां पर आपने देखी है कि मैंने तीन बार क्लिक कर दिया था, तो तीन बार ये बिजनेस कार्ड आ चुके हैं। तो करना क्या है, कोई भी आपको जो सही लग रहा है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ साइड में दिख रहा होगा डिलीट का ऑप्शन या शेयर का ऑप्शन या फिर प्रिंट करने का ऑप्शन। अगर आप किसी को ऑनलाइन इसी को शेयर करना चाहते हैं किसी मेल आईडी द्वारा या व्हाट्सएप द्वारा, तो शेयर भी कर सकते हैं,
और अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे। तो प्रिंट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा खुलकर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसको जो है यहाँ से इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं फ़ोन में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में आप कनेक्ट करके, या तो फ़ोन को डायरेक्ट प्रिंटर से कनेक्ट करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल जो है आसान तरीका है बिजनेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड बनाने का। इसके अलावा इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ